हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। अगर ये आपके बच्चे की पहली सर्दी है या आपका बच्चा एक साल से छोटा है तो उस केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहली सर्दी बच्चे के लिए थोड़ी टफ होती है, इसलिए हमें बच्चे को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर देनी होती है। एक साल से छोटे बच्चे की इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती, जिसकी वजह से बच्चा इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, स्पेशली सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में बच्चे को सर्दी, जुखाम, खांसी, फीवर, डिहाइड्रेशन होना और रात में बच्चे का बार बार जगना एक कॉमन सी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बच्चे की सर्दी को बहुत आरामदायक बना सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस सर्दी में आपको बच्चे के ऊपर ज़रूर अप्लाई करने हैं अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है। ये आपके बच्चे की पहली सर्दी को बहुत ही आरामदायक बनाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है, सर्दी के मौसम में हमें लगता है कि हम ज़्यादा कपड़े अगर बच्चे को पहना देंगे तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्दी के मौसम में हमें बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाने चाहिए, यानी बच्चे को एक मोटा कपड़ा पहनाने की जगह बच्चे को लेयर्स में दो तीन कपड़े पहनाइए। सबसे पहले बच्चे को वेस्ट पहनाइए यानी बनियान पहनाइए, फिर टी शर्ट पहनाइए और उसके ऊपर स्वेटर या जैकेट पहनाइए। यानी फर्स्ट लेयर बच्चे की कॉटन के कपड़े की होनी चाहिए, जिससे बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है और कंफर्टेबल फील करता है। अगर हम बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो हम एक लेयर कम कर देंगे बच्चे की, और टेम्परेचर कम होने पर एक लेयर बढ़ा देंगे, जिससे बच्चे को भी आराम रहता है। और बच्चे को सर्दी मेन पैर, सिर, कान और चेस्ट से लगती है, इसलिए जब भी आप घर के बाहर निकलें यानी खुली हवा में जाएं तो उस समय बच्चे के पैर, सिर, कान और चेस्ट को ढककर लेकर जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्दी के मौसम में आपको बच्चे की मालिश दिन में दो बार करनी है। बच्चे की मालिश करने से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे बच्चे को ठंड भी कम लगती है और बच्चा एक्टिव रहता है। इसलिए सर्दी के मौसम में भी आपको दिन में दो बार बच्चे की मालिश करनी है। अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उस केस में अगर आप बच्चे की मालिश नहीं कर रही हैं तो बच्चे की पैर की और बैक की मालिश आपको ज़रूर करनी है। सर्दी के मौसम में बच्चे की मालिश करने के लिए सबसे अच्छा ऑयल होता है ऑलिव ऑयल या बादाम रोगन, और कोकोनट ऑयल से सर्दी के मौसम में आपको बच्चे की मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ऑलिव ऑयल और बादाम रोगन की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में हमें से ही बच्चे की मालिश करनी चाहिए। सरसों के तेल में एक चम्मच अजवाइन और कुछ कली लहसुन की डालिए और उसे खौलने दीजिए। जब ये अच्छे से खौल जाए गैस को बंद कर दीजिए और इस ऑयल को छान कर रख लीजिए। वीक में एक बार इस ऑयल से बच्चे की मालिश ठंड के मौसम में आपको ज़रूर करनी है, जिससे बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी नहीं होता है। देसी घी से भी आप बच्चे की मालिश वीक में एक बार कर सकते हैं, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की मालिश आपको बंद कमरे में ही करनी है। खुले में या धूप में बच्चे की मालिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे बच्चे को हवा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप खुले में बच्चे की मालिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्दी के मौसम में भी आप बच्चे को डेली नहला सकते हैं। अगर आप बच्चे को डेली नहीं नहलाते हैं तो बच्चे को डेली स्पंज ज़रूर करिए, जिससे मालिश के बाद का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो हट जाता है और बच्चा रिलैक्स फील करता है। बच्चे को नहलाने के लिए गुनगुने पानी का यूज़ करिए, तेज़ गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ठंड के मौसम में आपको बच्चे को ज़्यादा देर नहीं नहलाना है, और जब नहलाने के लिए आप कपड़े उतारते हैं बच्चे के तो उससे पहले सारी तैयारी आपको कर रख लेनी है, ताकि बच्चे को हवा ना लगे। और जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो उसे तुरंत बाहर मत ले जाइए, यानी हवा में मत ले जाइए। 5-10 मिनट के बाद ही आपको बच्चे को हवा में लेके जाना है। अगर आप बच्चे को नहलाने के जस्ट बाद ही धूप में भी बिठाना चाहते हैं तो 10 मिनट का वेट करिए, उसके बाद ही बच्चे को बाहर लेके जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो बच्चे को आप जो खाना देते हैं वो हल्का गुनगुना दीजिए। खाने में बच्चे को सूप ज़रूर दीजिए, और ठंड के मौसम में जूस बिल्कुल अवॉइड करिए, और ठंडी तासीर वाले जो भी फ्रूट्स होते हैं या और चीज़ होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। जैसे बनाना आपको बच्चे को दोपहर में ही खिलाना है, सुबह और शाम अवॉइड करना चाहिए बच्चे को बनाना देना। और अगर बच्चा 8 मंथ से बड़ा है तो उसे ड्राई फ्रूट्स पाउडर दीजिए, और
बच्चे को आधा बादाम घिसकर खिलाइए। इससे बच्चे को ठंड में बहुत आराम मिलता है। और 3 दिन में एक बार जायफल का पेस्ट बनाकर बच्चे को 0.5 ml खिलाइए। और अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो 3 दिन में एक बार जायफल का पेस्ट बनाकर बच्चे के माथे पे लगाइए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे को सर्दी जुखाम खांसी बिल्कुल नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगी और बच्चे की ये सर्दी बहुत ही आरामदायक निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंड के मौसम में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक बच्चे को धूप में ज़रूर बिठाना चाहिए। और अगर बच्चा 2 मंथ से छोटा है तो उस केस में बच्चे को डायरेक्ट धूप में मत बिठाइए, शीशे के थ्रू जो धूप छन कर आती है उस धूप में बच्चे को बिठाइए। लेकिन ज़्यादा देर तक भी बच्चे को धूप में नहीं बिठाना चाहिए, इससे बच्चे की स्किन डल हो जाती है, बच्चे के रैशेज भी हो सकते हैं। ठंड के मौसम में आपको बच्चे की स्किन पे कुछ मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। अगर घर के मॉइस्चराइज़र की बात करें तो आप बच्चे के मलाई लगा सकते हैं और मार्केट के जो भी नेचुरल मॉइस्चराइज़र हैं वो आप बच्चे को ज़रूर लगाइए ठंड के मौसम में। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रात में बच्चे को कैसे सुलाएं जिससे बच्चा पूरी रात आराम से सोता रहे, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चा रात को बार बार उठता है। तो रात में बच्चे को सुलाने के लिए आप बच्चे के बेड पर जहां बच्चे को सुलाना है वहां एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट बिछा दीजिए, जिससे बच्चे को नीचे से भी गर्माहट मिलेगी। बच्चे के साथ ही आप सोइए, जिससे आपकी गर्मी से बच्चा सोता रहेगा, उसे अलग कॉट पर मत सुलाइए। रात में ठंड के मौसम में आप बच्चे को एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़े मत पहनाइए, स्वेटर आपको बिल्कुल नहीं पहनाना है, कॉटन के ही मोटे कपड़े आप पहना सकती हैं, बट स्वेटर रात को पहना के सुलाना बच्चे को अवॉइड करना। और ज़्यादा ठंड होने पर आप रूम हीटर का यूज़ कर सकते हैं, पर छोटे बच्चों के साथ आपको ऑयल रूम हीटर का ही यूज़ करना है, नॉर्मल रूम हीटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके बच्चे की सर्दी को बहुत आरामदायक बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।